एपिसोड 604 क्या गड़बड़ है। छलावा को घबराते देखकर ध्रुव ने कहा, विकी पानी लेकर आ। विकी तुरंत पानी लेकर आया और ध्रुव ने छलावा को पानी पिलाया। उसके बाद उसे बेड पर बिठाकर कहा, पहले तो शांत हो जा, और ये किस तरह की मुसीबत की बात कर रहा है? मुसीबत तो हर जगह हर कहीं है ना। छलावा बोला, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ध्रुव ने कहा, तू पहले मुझे शांति से बता कि क्या हुआ है। लेकिन अपनी बात बताने की बजाय छलावा बोला, एक बात बताओ, तुम और विकी तो इसी कमरे में रहते हो, लेकिन अनन्या और तारा कैसे आई है? मेरी चीख उनके कमरे तक तो नहीं गई होगी। अनन्या ने कहा, हमें तो विकी बुलाकर लाया। ध्रुव रूम में नहीं था और तू आंखें नहीं खोल रहा था, तो विकी घबरा गया था, इसलिए वो हमें बुलाने आ गया था। छलावा ने कहा, मतलब तुम सच में इस रूम से कहीं बाहर गए थे ध्रुव? ध्रुव बोला, हाँ मैं बाहर बगीचे में था। छलावा बोला, इसका मतलब ये मेरा सपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा था तुम कमरे में नहीं थे, उसके बाद ही मुझे रूप की आवाज आई और उसके बाद ही जो हुआ। ध्रुव बोला, ये किस तरह की बातें कर रहा है, साफ साफ शब्दों में बता। उसके बाद छलावा ने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सब हैरान थे। लेकिन ध्रुव बोला, ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है छलावा, तूने सपना ही देखा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विकी ने जब देखा कि छलावा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, तब उसने थोड़ा सा उसका मूड चेंज करने के इरादे से कहा, देख रही है अनन्या, ऐसे सपने तुझे आने चाहिए और ध्रुव की इतनी फिक्र तुझे होनी चाहिए, ये सब छलावा कर रहा है, सच में तेरी तो जरूरत ही नहीं है। अनन्या ने अपने चेहरे को छू कर देखा, वैसे भी ऐसे सपने देखकर मैं डर जाऊंगी और स्ट्रेस लूंगी, और तुम्हें पता है स्ट्रेस मेरी सुंदर स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ, और ये सारे काम छलावा ही करे तो बेहतर है। छलावा ने उन दोनों से कहा, तुम लोगों को मेरी बात मजाक लग रही है क्या? मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम लोगों की। ध्रुव बोला, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है, अब चलकर सो जा। अनन्या तारा तुम लोग भी जाओ और जाकर आराम करो। तारा बोली, लेकिन अब तो सुबह होने को आ गई, अब क्या आराम करें? ध्रुव ने कहा, फिर भी अभी वक्त है, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, और मुझे लगता है कुछ देर के लिए छलावा को भी अच्छे से सोने की जरूरत है। अनन्या और तारा वहां से चली गई। ध्रुव ने छलावा को भी उठाकर उसके बिस्तर पर अच्छे से लिटा दिया और खुद भी थोड़ी देर आराम करने चला गया। लेकिन छलावा की आंखों से तो नींद और चैन दोनों कोसों दूर था। वो बार बार ध्रुव की तरफ देख रहा था, उसके मन में वही सारी बातें चल रही थी। आखिर में छलावा उठकर बैठ गया और बोला, ध्रुव तो मेरी बात क्यों नहीं? ध्रुव ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, सोचा छलावा? छलावा अफसोस से बोला, ये लोग तो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है, कैसे बताऊं कि कुछ सच में बुरा होने वाला है और वो भी ध्रुव के साथ। क्या करूं, रूप से पूछूं? लेकिन नहीं, मैं तो यही था, और अगर वाकई में ये मैंने सपने में देखा है तो रूप से पूछकर मैं खुद मजाक बन जाऊंगा। मुझे हमेशा ध्रुव के साथ रहना होगा और चौकन्ना रहना होगा। छलावा को पता नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ना विकी वहां पर है ना ध्रुव। छलावा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और घबराता हुआ बोला, ये लोग कहाँ चले गए, और मुझे तो हमेशा ध्रुव के साथ रहना था। इतना सोचते हुए छलावा तुरंत बिस्तर से उठा और बाहर की तरफ भागा। तभी दरवाजे पर ही वो रूप से टकरा गया। रूप को देखते ही छलावा हैरान रह गया। रूप बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे पहली बार देखा है या मैं कोई भूत हूँ, तुम ठीक तो हो? छलावा बोला, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मतलब है ध्रुव और विक्की भी नहीं है, कहाँ है वो लोग, तुम्हें कुछ पता है? रूप ने कहा, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी, दरअसल ध्रुव पापा के साथ है और विकी तरुण भैया के साथ कहीं बाहर जा रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हें भी बुला लिया जाए, तुम अभी तक सोए हुए हो, क्या बात है, तुम ठीक हो ना? विकी कह रहा था कि तुम कुछ परेशान हो, तुमने कोई सपना देखा है? कैसा सपना देखा है? छलावा बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं देखता हूँ ध्रुव को। रूप बोली, ध्रुव को नहीं विकी को, विकी तुम्हें बुला रहा है। छलावा बोला, हाँ मेरा मतलब वही था, अभी तक छलावा को ये जगह जितनी ठीक लग रही थी अब उतनी ही अजीब लग रही थी। छलावा को वहां मौजूद हर कोई विचित्र लग रहा था, उसे लग रहा था जैसे हर कोई उसे ही देख रहा है। छलावा हर किसी को शक भरी नजर से देख रहा था, यहाँ तक कि रूप को भी। छलावा जब विकी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोनों कहीं जाने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। विकी बोला, कितनी देर लगा दी छलावा? छलावा बोला, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तरुण ने कहा, हम मेरे लैब तक जा रहे हैं और वैसे भी काफी टाइम से मैं इधर ही हूँ, तो सोचा थोड़ा टाइम वहां पर बिताऊं, ध्रुव तो बिजी है तो मैंने सोचा हम तुम्हें भी ले लें। छलावा बोला, नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। तरुण ने कहा, क्यों, चलो ना। छलावा बोला, नहीं मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैं सोच रहा था कि आज मैं जितना ज्यादा हो सके आराम ही करूंगा, और क्या पता ध्रुव को भी जरूरत हो कुछ, तो इसलिए तुम दोनों जाओ। इतना कहकर छलावा वहां बिना रुके सीधा ध्रुव के पास चला गया। विकी उसे जाते देखता रहा, फिर बोला, अजीब है, इसके दिमाग में भी ना
कब क्या चलता है पता ही नहीं चलता। तरुण हंसता हुआ बोला, मुझे ऐसा लगता है कि छलावा ध्रुव के लिए कुछ ज्यादा ही पोजेसिव है, किसी भक्त की तरह उसकी भक्ति करता रहता है। इतना कहकर तरुण हंसने लगा। विकी बोला, मैं जानता हूँ तुमने ये बात मजाक में बोली है, लेकिन तुमने बिल्कुल सही बात कही है। वैसे भी उन दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। तरुण ने कहा, रिश्ता? कैसा रिश्ता? जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग तो दोस्त हो ना, फिर उन दोनों के बीच रिश्ता कैसा? विकी को लगा जैसे उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, हाँ मेरा मतलब है दोस्ती का ही रिश्ता। दोस्ती का रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते से कम थोड़ी होता है, मुझे तो लगता है सबसे बढ़कर ही होता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो अब तक नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है। तरुण की बात पर विक्की भी मुस्कुरा उठा और तरुण के साथ चला गया। छलावा जैसे ही महाराज के कमरे में पहुंचा, उसने देखा वहां पर पूरा अंधेरा है, बस नीचे जमीन पर एक मोमबत्ती जैसी कुछ जल रही है, जिसके दोनों तरफ ध्रुव और महाराज बैठे हुए हैं और जमीन पर झुककर कुछ देख रहे हैं। एकदम से दरवाजा खुलने से वे दोनों हड़बड़ा गए और मोमबत्ती जल्दी बुझा दी। छलावा को देखकर ध्रुव बोला, तू है, इस तरह कौन आता है भला? छलावा ने कहा, लेकिन तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो, कितना डर गए? ध्रुव बोला, कमरा बंद कर और यहाँ आ जा। छलावा ने कमरा बंद किया और बोला, अगर इतना कुछ जरूरी कर रहे थे तो दरवाजा अच्छे से बंद करना चाहिए था ना? ध्रुव बोला, वो सब छोड़ तू, ये बता अब तू ठीक है? छलावा बोला, हाँ लेकिन ये बताओ ना, तुम लोग कर क्या रहे हो? ध्रुव बोला, महाराज हमें उस वंशावली सीप तक जाने का नक्शा दे रहे हैं। छलावा हैरानी से बोला, नक्शा क्यों? क्या ये खुद हमारे साथ नहीं आ रहे, या कोई और जो हमें वहां तक पहुंचा सके? महाराज गंभीर आवाज में बोले, नहीं। छलावा ने शक भरी नजरों से उन्हें देखा और अपने मन में बोला, लेकिन अगर इनके लिए उनकी वंशावली इतनी जरूरी है तो ये लोग खुद क्यों नहीं जा रहे, क्या माजरा है इसके पीछे? महाराज बोले, दरअसल बात यह है कि यहाँ पर भी तो खतरा मंडरा ही रहा है, इसलिए मैंने और ध्रुव ने ये सोचा है कि हम लोग यहीं रहेंगे और सुरक्षा करेंगे, तुम लोग वहां जाओगे। छलावा को महाराज की बात ना तो समझ में आई और ना ही सेटिस्फाइड लगी। छलावा ने अपने मन में सोचा, मुझे ध्रुव को समझाना होगा कि इस बात के पीछे कोई गहरा रहस्य है। ये कह कुछ रहे लेकिन उनकी आंखें कुछ और बता रही है, और ध्रुव को क्या हो गया है, वो कैसे यकीन कर ले रहा है? उसके बाद महाराज ने ध्रुव को एक अंगूठी दी और कहा, इसे पहन लो, तुम्हें जब भी नक्शे की जरूरत होगी अंगूठी एक नक्शे में बदल जाएगी, और ध्यान रहे जब तुम लोग यहाँ से निकलो तो किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगनी चाहिए। ध्रुव बोला, हाँ मैं समझता हूँ। छलावा ने तुरंत कहा, हाँ क्या और क्या समझता हूँ, आप लोग नहीं जा सकते, चलिए ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग जा रहे हैं इसके बारे में क्यों नहीं भनक लगनी चाहिए किसी को? महाराज बोले, तुम लोगों के रास्ते में किसी तरीके की कोई रुकावट खड़ी ना हो। तुम लोग नहीं जानते कि जब कोई किसी अच्छे काम के लिए निकलता है तो उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। आएंगी तुम्हारे रास्ते में रुकावटें अब भी, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि किसी को पता नहीं होगा तो कोई जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा। उसके बाद महाराज ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैं आशा करता हूँ कि तुमने जल्द से जल्द जो वादा किया है मुझे वो पूरा करोगे। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और महाराज वहां से चले गए। छलावा ने ध्रुव को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है ध्रुव, तुम उनकी हर बात में हाँ मिला रहे हो। देखो मुझे पता नहीं क्यों लेकिन सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो अभी लोगों की बातों पर यकीन भी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं या शायद हमेशा से छुपाते आए हैं, मुझे नहीं पता लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा ध्रुव इन सब के लिए। ध्रुव बोला, मैं जानता हूँ छलावा, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें हमारे दिल और दिमाग को आपस में लड़ता छोड़कर वो करना चाहिए जो सही है, जैसा कि अभी हम करने वाले हैं। और तुम्हें क्या लगता है हम सिर्फ महाराज की वजह से वहां तक जा रहे हैं? हमें तो पता ही है वो लड़का कौन है, उसको ढूंढने के लिए हमें उस सीप तक जाने की जरूरत ही क्या है। हम वहां जा रहे हैं तो इसलिए ताकि बंजारन अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। अभी ध्रुव इतना बोल ही रहा था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है और आंखें बंद हो रही है। इससे पहले कि ध्रुव को चक्कर आता छलावा ने उसे पकड़ लिया और फिक्र से बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ध्रुव बोला, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मुझे लग रहा है कि काफी वक्त से मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी थकान हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा चक्कर आ गया। छलावा ने कहा, तो सबसे पहले तुम थोड़ा सा आराम क्यों नहीं करते? ध्रुव बोला, नहीं छलावा, अभी आराम करने का वक्त नहीं है, खासकर तब तक जब तक कि हम यहाँ हैं। एक बार हम पाली लौट जाएं उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तुम जल्दी आओ, हमें जल्दी से अपने काम पर लगना है। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया, लेकिन छलावा अभी भी खड़ा खड़ा सोचता रहा। फिर वो अपने आप से बोला,
यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा छलावा, ध्रुव तो तुम्हारी बात सुनने से रहा। अगर तुम्हें अपनी बात साबित करनी है ध्रुव के सामने, तो पता लगाओ कि आखिर यहाँ गड़बड़ क्या है। लेकिन कैसे?